दोस्तों अगर आप 1600 मीटर रनिंग करते हो तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमें 1600 मीटर रनिंग करने के लिए बहुत स्टैमिना चाहिए, क्योंकि 1600 मीटर के लिए आपको 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं और उसी 4 चक्कर में दोस्तों आपका बहुत स्टैमिना चाहिए, जिसके साथ आपका तभी आपका एक्सलेंट हो जाएगा। जो आपका 1600 मीटर रनिंग है वो एक्सलेंट आप कर पाओगे। दोस्तों वही स्टैमिना अगर आप ज़्यादा थकते हो, आप एक चक्कर लगाते हो, दूसरा चक्कर लगाते हो, लेकिन दोस्तों आपकी बॉडी थक जाती है थोड़ी सी रनिंग करने के बाद भी, और एक दो चक्कर लगाने के बाद आपकी बॉडी बहुत थक जाती है, क्योंकि आप में बिल्कुल स्टैमिना नहीं होता। तो स्टैमिना बढ़ाने के लिए हमें कौन सा वर्कआउट करना चाहिए जिसके वजह से आपका स्टैमिना बहुत बढ़ेगा। और दोस्तों मैं आपको सिर्फ दो वर्कआउट बताऊंगा, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है, सिर्फ ये दो वर्कआउट आपको करना है हफ्ते में, सिर्फ इस दो वर्कआउट को दो बार ही करना है, देखो आपका स्टैमिना कितना अच्छा बढ़ेगा। और ये जो दो वर्कआउट मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, उस वर्कआउट को आप अच्छे से फॉलो करो, आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा। तो वर्कआउट कैसे करना है, किस तरह से करना है, आप अच्छे से देख लो। तो सबसे पहला मैं वर्कआउट आपको बताता हूँ दोस्तों, आप में बिल्कुल स्टैमिना नहीं है, आपकी बॉडी ज़्यादा थकती है, तो दोस्तों आपको हफ्ते में एक बार सिर्फ दोस्तों आपको लॉन्ग रनिंग करना है, सिर्फ एक बार दोस्तों आपको इंड्रोस बनाना है। दोस्तों आपको लॉन्ग मतलब दोस्तों 50 मिनट से लेकर एक घंटे तक आपको स्लो जॉगिंग करना है, क्योंकि आपकी बॉडी की कैपेसिटी दोस्तों आपको बढ़ाने तभी आपका स्टैमिना बढ़ेगा। अगर आपकी बॉडी की कैपेसिटी कम है तो दोस्तों आप कैसे रनिंग कर पाओगे, आपका स्टैमिना कैसा रह जाएगा। इसलिए हमें 50 मिनट से लेकर एक घंटे तक स्लो जॉगिंग करना है, बिल्कुल स्लो जॉगिंग करना है, ज़्यादा फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ दोस्तों मैं नेक्स्ट वर्कआउट आपको बताऊंगा, जहाँ पर हम स्लो फास्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप 1600 मीटर रनिंग करते हो तो दोस्तों आपको स्लो फास्ट करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप जो ग्रुप में रनिंग करते हो उसमें आप कभी कभी पीछे रह जाते हो, कभी आगे रह जाते हो, तो और जो आपका जो ग्रुप है उसमें कभी कभी आप पीछे आगे हो जाते हैं, इसके वजह से आपको स्लो फास्ट रनिंग भी करना चाहिए। और स्लो फास्ट रनिंग में दोस्तों आपका स्पीड भी बढ़ता है और आपका स्टैमिना भी बढ़ता है। स्लो फास्ट कैसे कर देखो, अगर आप बिगिनर हो, आपने अभी प्रैक्टिस किया है दोस्तों, आप 100 मीटर स्लो फास्ट कर सकते हो, 100 मीटर फास्ट करेंगे, 100 मीटर की से रनिंग करेंगे। अगर आप अच्छा वर्कआउट करते हो, अभी आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं दोस्तों, आप 200 मीटर स्लो फास्ट कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, 200 मीटर फास्ट लगाना है 80 से 90% स्पीड से, और जो नेक्स्ट 200 मीटर है वो स्लो जॉइन करना है। ऐसे आप 10 से 15 मिनट करो, आपका स्टैमिना तो दोस्तों देखो कैसा बढ़ता है। आपको हफ्ते में इस वर्कआउट को दोस्तों दो बार करना है, नहीं तो आप एक बार स्लो फास्ट को और एक बार ये जो स्लो जॉगिंग है, जिससे इंड्रेस बढ़ेगा। ये सभी वर्कआउट आप अच्छे से करो, आपका दोस्तों स्टैमिना बहुत बढ़ जाएगा। इस तरह से आप वर्कआउट को अच्छे से फॉलो करो।